नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं आपका चहेता प्रोग्राम जिसका नाम है इटर्नल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य। शुद्ध आयुर्वेद के गुणों पर आधारित इस सीरीज का एक एक एपिसोड और हर एपिसोड का एक एक शब्द बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें छिपा है आपकी सेहत का रहस्य। हमारे प्रोग्राम से आप बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे तो पा ही सकते हैं लेकिन साथ ही साथ आप भी हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप तुरंत हमें फोन कीजिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुद्ध आयुर्वेद की इस सीरीज का सिलसिला शुरू करते हैं फिर से और आमंत्रित करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान को। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। So let's welcome Dr. Pratap Chauhan. Namaskar, Dr. Sahab. Namaskar, Shilpa ji. हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और डिस्कशन को शुरू करने से पहले दर्शकों को हमारा फोन नंबर बता देते हैं। जी। तो दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 01294088152। अगर आप आयुर्वेद के विषय पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी के बारे में भी पूछना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉल कीजिए। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये अष्टांग आयुर्वेद का जो सीरीज हमने शुरू किया था जी, और उसमें काफी सारे आपने चिकित्साएं कवर कर ली हैं। हमने 7 कवर कर ली जी, अभी आज अंतिम 8वां जो बचा है। जी बिल्कुल। तो वो है वाजीकरण। वाजीकरण, तो ये वाजीकरण जो है ये भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है आयुर्वेद का भी और हमारे जीवन का भी जी, क्योंकि वाजीकरण से जो अर्थ है यहाँ पर, अगर बिल्कुल साधारण भाषा में इसको समझाएं हम दर्शकों को, तो कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ सेक्स, सेक्सोलॉजी कह सकते हैं इसका। वैसे बहुत गहरा जो अर्थ है लेकिन आम भाषा में, क्योंकि जो हमारा एक हिस्सा है जीवन का, हम हमेशा कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के हमारे हिस्से हैं अलग अलग। तो काम को भी हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया है और उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और इसका जो है महत्व बहुत अधिक है। आजकल भी मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी चर्चा चल रही है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए जी, क्योंकि जो हमारा यूथ है, हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारा जो मॉडर्न साइंस है जैसे, या मॉडर्न जो हमारा नॉलेज है, जब वो कोई भी चीज शुरू करते हैं, जैसे कि अभी सेक्स एजुकेशन का बहुत डिबेटिंग मैं सुनता रहता हूँ, कई बार आता रहता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग शुरू करते हैं बिल्कुल हवा में। और हम जो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम इनको जो बच्चों को स्कूलों में सेक्स एजुकेशन सिखाएंगे उसमें जो है ज्यादातर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और सेक्स रिलेटेड डिजीजेस इसकी बात करते हैं जी। लेकिन हम आयुर्वेद में इसके बारे में जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो काम जो बताया गया जी, कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो स्नेह का संबंध है उसको काम बोलते हैं जी। बादाम, घी, अच्छा क्वालिटी का दूध, मक्खन जी, ये शुक्र धातु को बढ़ाते हैं। लेकिन जो वाजीकरण औषधि है जी, इसका सेवन हर कोई कर सकता है या फिर इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन चाहिए? लेकिन फिलहाल हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। थैंक यू। आपका शुभ नाम? माय नेम इज अभिषेक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लखनऊ। हाँ जी जी, मुझे पूछना है कि मुझे सर्दी हो जाती है अक्सर, तो सर्दी से एक दिन पहले जी मुझे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, पानी नहीं पी पाता हूँ। अच्छा। और खाने में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ निगलने नहीं बनता। तो इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई दवाई जो मुझे खा लेनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जो, क्योंकि आपको सर्दी से होता है ना ये, तो सबसे पहले तो आपको सर्दी से ही बचना है। मतलब कोई चिल्ड चीजें, ठंडी आइसक्रीम वगैरह,
या जब कहीं ठंडा मौसम होता है, लखनऊ में तो ठंड भी काफी पड़ती है, हाँ। तो ठंड के मौसम में जो है थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना चाहिए, खास करके आपके जो पैर के तलवे हैं और कान हैं, जो ऊपर का सिर का हिस्सा है, यहाँ से ठंड जल्दी से पकड़ती है, तो उसको थोड़ा सा रखना चाहिए। और साथ में जो है आपको एक चीज का मैं बताता हूँ, इसका सेवन करना चाहिए निरंतर, जो सौंठ होती है, सौंठ, सूखी हुई अदरक या सौंठ का पाउडर कहीं भी मिलेगा आपको, घर में भी बना सकते हैं वो, हाँ। आप जो है एक चम्मच एक गिलास दूध में डाल करके रात को रोज पिया करिए। तो ये तो प्रोटेक्शन की बात रही, लेकिन अगर आपको ठंड पकड़ती है और गला खराब होने लगता है, हाँ। तो उसी दिन आप एक काम करिए कि उस दिन आप कोशिश करिए कि चिकनाई वाली कोई चीज नहीं खाएंगे, बिल्कुल दूध वाली भी कोई चीज नहीं खाएंगे, मिठाई भी नहीं खाएंगे, और उस दिन अगर केवल खिचड़ी खाएं, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में मुलेठी का चूर्ण, वो आधा आधा चम्मच शहद में मिला के दिन में 3 बार आप जरूर चाट लीजिए, तो उससे जो गले का आपका दर्द है या गले में जो एक तरह की जो भी आपको इन्फेक्शन कहिए उसको, उसमें तुरंत आपको लाभ मिलेगा एकदम से, तो आपका रोग वो आगे नहीं फैलेगा, नहीं तो फिर आगे आपको बुखार भी हो सकता है, आगे आपको कुछ खांसी भी हो सकती है, और इस तरह से 5-6 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे पूरे। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्दी, जैसे सर्दियों के मौसम में ही होता है, ऐसा नहीं है, मुझे ये गर्मी के मौसम में भी नहीं, ये जो रोग है उससे 2 दिन पहले ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये जो रोग आपको होता है वो सर्दी से ही नहीं होता, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि गले में जब दर्द होता है तो वास्तव में ये जो है एक तरह का गला आपका वीक है, कमजोर है, अच्छा, तो वो कभी भी हो सकता है आपको, इसलिए मैंने आपको मुलेठी का चूर्ण बताया, और दूध में जो है सौंठ आप रेगुलरली लीजिए, अच्छा, तो उससे आपकी जो है गले की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन्स कलाएं हैं जो अंदर की, वो थोड़ी स्वस्थ होंगी, अच्छा, तो इससे आपको फिर बार बार नहीं आएगा रोगी। जी जी, ठीक है, ओके, ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही बढ़िया एडवाइस आपने दी है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं आयुर्वेद पर और भी जानकारी, आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com, हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, लगन अगर सच्ची हो तो रास्ते आसान होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, सेहत की राह पर चलना चाहते हैं, तो चलिए शुद्ध आयुर्वेद की राह पर, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे